चलिए आज हम आपको बताते हैं बाइनरी नंबर को कैसे हम चेंज करते हैं, बाइनरी नंबर को या ऑक्टल नंबर को या हेक्साडेसिमल को। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर को हम कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं, ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं या हेक्साडेसिमल में। तो आज हम आपको बताते हैं कि बाइनरी को कैसे चेंज करेंगे या ऑक्टल को कैसे चेंज करेंगे या हेक्साडेसिमल को कैसे करेंगे। ये देखिए हमने आपके लिए एक टेबल बना रखा है, ये है हमारा बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर दियो, इसको हमें ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे बाइनरी बाइनरी टू, हमें किस में बदलना है, ऑक्टल में। बाइनरी टू ऑक्टल किया, टैब प्रेस किया और ये जो बाइनरी नंबर है हमने इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ हमने क्या किया, क्लोज कर दिया ब्रेकेट, इंटर कर दिया। ये देखिए हमारा ऑक्टल नंबर में चेंज हो गया। अगर आपको डेसिमल में बदलना है तब सेम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल करेंगे बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल करेंगे और फिर क्या करेंगे, इस जो बाइनरी नंबर इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट के साथ जीरो किया और इंटर कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, डेसिमल आ गया। अगर आपको हेक्सा डेसिमल में बदलना है तब क्या करेंगे, इक्वल करेंगे बाइनरी टू हेक्सा करेंगे, बाइनरी टू हेक्सा डेसिमल करेंगे और बाइनरी नंबर को सेलेक्ट करके ब्रेकेट के साथ क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे, ये हमारा क्या आ गया, हेक्सा डेसिमल आ गया। अगर आप देखिए दूसरी वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, स्लैश कर देंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा आ गया डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइनरी से हम ऑक्टल नंबर बदलते हैं या डेसिमल में कैसे बदलते हैं या हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल में आ गया 352 आ गया, जबकि डेसिमल में 234 आ गया और हेक्साडेसिमल में EA आ गया, और दूसरी वैल्यू में क्या आ गया, 113 आ गया ऑक्टल में, डेसिमल में 75 आया और हेक्साडेसिमल में 4B आ गया। ऐसे अभी हमारे पास एक वैल्यू है यहाँ पे ऑक्टल नंबर की जिसमें 567 लिखा हुआ है, इसको हम बाइनरी में चेंज करते हैं। बाइनरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे ऑक्टल OCT, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे और यहां पे हम क्या करेंगे, ऑक्टल नंबर को सेलेक्ट करके शिफ्ट साथ ब्रेकेट क्लोज, इंटर कर दिया, आ गया। सेम चीजें यहां भी करेंगे, इक्वल करेंगे और क्या करेंगे, ऑक्टल ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे और ये वैल्यू को सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ब्रेकेट क्लोज, इंटर कर दिया। डेसिमल क्या करेंगे, इक्वल करेंगे ऑक्टल और ये ऑक्टल नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया, सॉरी ऑक्टल टू हमें यहां डेसिमल बदलना है, ऑक्टल टू डेसिमल पर हमने क्लिक किया और यहां पे वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ ब्रेकेट क्लोज, इंटर कर दिया। और हेक्साडेसिमल में अगर करना है, इक्वल किया ऑक्टल नंबर, यहां पे हमने किया OCT ऑक्टल और अभी हमें क्या उसमें बदलना है, हेक्साडेसिमल में, और यहां से हमने ऑक्टल नंबर को सेलेक्ट करके शिफ्ट साथ क्लोज कर दिया। ये आ गया हमारा ऑक्टल नंबर से कैसे हम डेसिमल में बदलते हैं या कैसे हेक्साडेसिमल में करते हैं। हमने इसको स्लैश कर दिया और इस वैल्यू को भी हमने स्लैश कर दिया, दोनों वैल्यू हमारी यहां पे निकल आई। अब यहां पे हम चेंज करते हैं हेक्सा डेसिमल से बाइनरी और ऑक्टल और डेसिमल। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और लिखेंगे हेक्सा, हेक्सामल से हमें बाइनरी चेंज करना है और ये हेक्सा डेसिमल को सेलेक्ट करके ब्रेकर के साथ क्लोज करके इंटर कर दिया, ये हमारा बाइनरी निकल आया। ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल हेक्सा और हम क्या करेंगे, ऑक्टल को सेलेक्ट करके टैब प्रेस कर दिया और यहां हेक्सा डेसिमल को सेलेक्ट करके ब्रेकर क्लोज, इंटर कर दिया, ये हेक्सा से बाइनरी और ऑक्टल हमारा चेंज हो गया। नेक्स्ट है हमारा इक्वल है हेक्सा से अब हमें क्या करना है, डेसिमल चेंज करना है और हमने क्या किया, हेक्सा डेसिमल को सेलेक्ट कर लिया और ब्रेकर साथ क्लोज करके इंटर कर दिया, ये हमारा हो गया हेक्सा डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल और डेसिमल नंबर हो गया। और अगर हमें आगे वैल्यू है और निकालना है तो यहां से हम ड्रैग कर सकते हैं माउस साथ, ये हमारी नेक्स्ट वैल्यू निकल आई। आप फार्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं और यहाँ पे वैल्यू को ड्रैग करके भी निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी ऑक्टल या डेसिमल कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर से बाइनरी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कैसे चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको एक और यहाँ पे बताया गया कि बाइनरी से कैसे हम ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बता दिया था डेसिमल से हमें बाइनरी या ऑक्टल या हेक्सा कैसे चेंज करना है।
तो ये वीडियो आपके समझ में जरूर आई होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।